नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संकेत और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इसके टेक्निक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले कि आप वीडियो एडिट करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों कुछ लोग वीडियो एडिट करना को वीडियो एडिट कर लेते हैं लेकिन उसमें कुछ इफेक्ट नहीं डाल पाते, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन या और कोई साइड शो या कुछ इफेक्ट डाल नहीं पाते, तो उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो एडिट करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो गाइज इस वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए तो आपको बहुत सारी ट्रिक यहाँ सीखने को मिल जाएगी। तो लेकिन यार उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे हर टेक्निक की वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते। आपको सबसे पहले आपके वीडियो एडिट करते समय आपको आपके वीडियो में या आपके YouTube चैनल में जो आपका चैनल का लोगो होगा वो आपके वीडियो में ऐड करना होगा। जैसे आप वीडियो में ऐड करते हैं चैनल का लोगो तो आपका वीडियो प्रोफेशनल दिखता है। जैसे आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं, यही नहीं मेरे सब वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे चैनल का लोगो या एक कोने में ऐड करके रखा है। आप भी किसी भी कोने में उसे ऐड कर सकते या एडजस्ट कर सकते। अब हमारे चैनल का लोगो है वो वीडियो में ऐड हो गया है। अब बात आती है जो बैकग्राउंड की, आपको आपका जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो अच्छी तरह से एडिट कर लेना है। आप एडिट नहीं कर पाते तो अच्छी तरह से बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि दो वॉल एक साथ हो और उनका कलर अलग अलग हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो दिखने को बहुत गंदा दिखता है। अगर आपका बैकग्राउंड सही होगा या आपने वीडियो एडिट बैकग्राउंड सही किया होगा तो जो व्यूवर्स है आपके वो वीडियो आपकी ज़्यादा देर तक देखेंगे और आपका वॉच टाइम है वो ज़्यादा कम्प्लीट होगा। अब बात हो गई बैकग्राउंड की और चैनल लोगों की, अब बात आती है ग्रीन स्क्रीन की। अब आपको ग्रीन स्क्रीन कुछ ऐसे सेट कर लेनी है, जैसे कि आप बोलोगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, तो यहाँ पे एक ग्रीन स्क्रीन जो अपने चैनल का नेम है वहाँ की ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे ऐड कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। आपको ऐसे ही YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से उठा कर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप ऐसे बोलोगे कि वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में कोई क्वेरी होगी तो ये भी बता देना, तो वहाँ पे भी आपको एक लाइक का बटन ऐड कर लेना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ऐड कर लेना है, जिससे कि आपके व्यूअर्स की मेंटेलिटी बन जाती है कि यहाँ पे सब्सक्राइब हमें यह चैनल सब्सक्राइब करना है या लाइक करना है या कमेंट करना है, ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। अब हो गया ग्रीन स्क्रीन। अब बात आती है जो आपकी वीडियो की एक्सपोर्ट क्वालिटी वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे कि आप अच्छी क्वालिटी जैसे वीडियो की देख लेते तो वो वीडियो आप ज़्यादा देर तक देखते हैं, वैसे ही अगर आप वीडियो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका वीडियो वो ज़्यादा व्यू होगा। मतलब आपको 360p से ज़्यादा वीडियो क्वालिटी रखनी है, जैसे कि 1080 या 720p, यही आपको क्वालिटी रखनी है जिससे आपका जो वीडियो है वो अच्छी तरह से चल पाए और ज़्यादा हो और ज़्यादा अच्छा रहे। अब बात आती है आपको उसमें इफेक्ट डालना होगा। आपको बहुत सारे काइनमास्टर में इफेक्ट मिल जाएंगे और मैं मेरी वीडियो काइनमास्टर से एडिट करता हूँ। मैं ही नहीं बल्कि ज़्यादातर यूट्यूबर अपनी वीडियो काइनमास्टर ऐप से ही एडिट करते हैं, तो आप उसमें बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको उसमें से कुछ इफेक्ट आपके वीडियो में डाल देने, जैसे कि वो व्यूअर्स आपका चेहरा देख देख के बोर ना हो जाए, इसके लिए बीच बीच में इंट्रो या कुछ इफेक्ट डालते रहना चाहिए, जैसे कि आपका जो व्यूअर्स है वो बोर ना हो। अब बात हो गई, अब बात आती है जब आप अपने वीडियो में बैकग्राउंड साउंड ऐड करते हैं। बैकग्राउंड साउंड जब भी आप ऐड करते तो आप देख सकते हैं जो आपका साउंड है या आपका जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और जो बैकग्राउंड है वो बहुत कम होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका वॉइस वो 100% है तो आपका बैकग्राउंड का नॉइस है या बैकग्राउंड का साउंड है वो सिर्फ आपको 30 या 50 तक ही रखना है, जैसे कि आपका साउंड है वो क्लियरली आपके व्यूअर्स को पता चल पाए, आपके व्यूअर्स को सुनाई दे पाए, जिससे कि जो आपका वीडियो है वो आपके व्यूअर्स बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसी तरह अगर आपने बैकग्राउंड साउंड भी ज़्यादा रख दिया या आपका साउंड भी ज़्यादा रख दिया तो आपके व्यूअर्स से वो समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा साउंड सुनूं मैं, तो इसके लिए आपको आपका जो साउंड है वो ज़्यादा रखना है और बैकग्राउंड साउंड कम रखना है। वीडियो एडिट करते समय और एक इम्पोर्टेंट बात, आप वीडियो एडिट करते समय जो आपका मतलब स्टार्टिंग का जो पार्ट है और एंड का जो पार्ट है, जैसे आप वीडियो स्टार्ट करते या कैमरा एडजस्ट करते, तो वीडियो स्टार्ट करने के बाद आपका जो
यहाँ पे पोजीशन लेने का है, जहाँ आप वीडियो बनाते हैं वहाँ पे पोजीशन लेने का पार्ट है वो थोड़ा डिलीट कर दीजिए, मतलब वीडियो स्टार्ट होने से पहले का तो थोड़ा पार्ट डिलीट कर दीजिए और वीडियो एंड होने तक का बात, जैसे आप कैमरा ऑफ करते हैं अपनी पोजीशन से उठ के आप वीडियो ऑफ करते तो उसका जो पार्ट है वो डिलीट कर दीजिए, जिससे कि आपके व्यूअर्स को पता चले कि ये प्रोफेशनली इंट्रो बनाता है या प्रोफेशनली वीडियो बनाता है, प्रोफेशनली वीडियो एडिट करता है। तो इसी तरह क्या वीडियो एडिट करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी लाइक कर देना, कमेंट में कोई क्वेरी होगी तो ये भी बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।